रतलाम जिले के आलोट में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर आलोट थाने का घेराव करने वाले 10 लोगों पर नामजद और 100 से भी अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल दो दिन पहले बड़िया राठौड़ में हो रहे रामलीला को रुकवाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पथराव करके डायल 100 वाहन को भी तोड़ दिया। इस मामले को लेकर पुलिस ने गांव में जाकर लोगों से पूछताछ की। वही पुलिस जांच से नाराज जनप्रतिनिधियों के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने आलोट थाने में ज्ञापन देने पहुंचे और यहां पर थाने को ही घेर लिया। सैकड़ों की भीड़ और लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर थाना प्रभारी दीपक शेजवार ने मामला दर्ज कर दिया। धीरेन्द्र सोलंकी और महेंद्र सिंह सोलंकी जी के नेतृत्व में करीब 100 लोग, 20-25 महिलाएं और 60-70 पुरुष आज थाने के अंदर ज्ञापन देने आए, थाना परिसर में ज्ञापन देने आए थे। तो उनका आरोप है कि हमारे निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए, तो मेरे यही बताया कि हम केवल नामजद आरोपी और जिन्होंने अपराध किया है अन्य लोगों उनकी तलाश की जा रही है, निर्दोषों को कोई परेशानी नहीं आएगी। और उसी उपलक्ष्य में आज ज्ञापन दिया गया था, जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन और 144 के धारा का उल्लंघन किया गया। तो आज कुल 11 नामजद लोगों के विरुद्ध और अन्य 100 लोगों के विरुद्ध आज अपराध पंजीबद्ध किया गया है, धारा 188, 147, 269, 270 IPC के।